मेरे दिल में है एक बात, कह दो तो भला क्या है। मेरे दिल में है एक बात, कह दो तो भला क्या है। ये गाना मुझे स्पेशल बुलाया कलन जी ने रिकॉर्डिंग के लिए और मैं गया। लक्ष्मी प्यारे उसका अरेंजमेंट करते उस जमाने में, वो खुद म्यूजिक बने नहीं थे तो उनका अरेंजमेंट वही करते थे। तो गाने के लिए गया, रिकॉर्डिंग हुआ और मैंने अपने दिमाग से बजाया, उन्होंने कुछ मुझे दिखाया नहीं, उसमें थोड़े मैंने चेंजेस किए बजा ठेके के अंदर, लेकिन बहुत अच्छा गाना, वो भी गाना हिट हुआ। जैसे सली चौधरी है उनके गाने बजाए, जैसे रोशन जी है उनके भी गाने बजाए, लेकिन मेरा ठेका नहीं बजाया, वो अलग गाना बजाया, अलग से मैंने बजाया। मैंने वो मधुमती के गाने बजाए, उसमें घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, आजारे करके था, सुहाना सफर है, वो तीन गाने मैंने एक ही साथ बजाए। और वो उन्होंने मुझे बताया नहीं कि ये रिदम कैसा बजाना है, मैं वो बोले तो आपको क्या बताना है, क्या है सलीदा मुझे बोले कि तुम गाना सुन लो और खुद ही फिक्स कर लो। तो फिर वो घड़ी घड़ी मैंने बजाया और वो गाना इतना हिट हो गया। उसके बाद सुहाना सफर है ये सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। आ जा रे मैं तो कब से खड़ी सुहार, ये अखियां थक गई पंख निहार। और वहां रोशन जी महबूब स्टूडियो में रोशन जी का रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो उनका जो ढोलक वालों आया नहीं, दिन में 12 बज गए, लता जी भी वहां थी, सब ऑर्केस्ट्रा रेडी था और ढोलक वाला आया नहीं। तो उन्होंने बोला अपने आदमी को कि दत्ताराम जी के नजदीक रहते तो दत्ताराम जी के लिए फोन करो तुम। तो उन्होंने फोन किया मुझे और उन्होंने कहा कि भाई रोशन जी ने ऐसा कहा, उनका ढोलक वाला आया नहीं, आप मेहरबानी करके आएंगे तो अच्छा आधा घंटा में छोड़ देंगे, लता जी भी आई हुई है। मैंने कहा सोचा जरा, तो मेरे पास राइटर बैठा था, उनको मैंने ट्यून दी, मैंने कहा आप लिखते रहिए मैं जरा आधा घंटे में आता हूँ। और मैंने ढोलक लेके गाड़ी में डाल के वहाँ गया। मैं जब गया था लता जी थी, रोशन जी थे, रिकॉर्डिंग सबसे मिला, मिलने के बाद गाना सुना और काफ़ी एक 15-20 आधा घंटा मुझे गाना सुनाया। और बहुत सिंपल सादा गाना था, कोई उसमें तिकड़मबाजी नहीं थी, गाड़ी सिंपल बजाना था लेकिन बजाना था, मैं अगर आता तो रिकॉर्डिंग कैंसिल हो जाती। वो गाना ऐसा था, सारी सारी रात तेरी याद सताए, सारी सारी